हाय एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ जो रेडमी नोट 11 में जो हैंगिंग का प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। यानी कि यार अगर आप लोग गेम खेल रहे हो या फिल्म देख रहे हो या आप लोग वेब सीरीज देख रहे हो या आप लोग टिकटॉक देख रहे हो, कुछ भी आप लोग मतलब कि देख रहे हो और आपका मोबाइल बहुत ही ज़्यादा हैंग कर रहा है, लैग कर रहा है, उसको कैसे आप लोग फिक्स कर सकते हो रेडमी नोट 11 मोबाइल में। तो आज इस वीडियो में आप इसका प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आ गया हूँ यार। तो वीडियो काफी आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग होने वाले, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप आप लोग मत करना। मैं आप लोग कुछ ऐसा बेसिक सेटिंग बताऊंगा और कोई इंपॉर्टेंट आपको सेटिंग भी बताऊंगा, जिस सेटिंग का अगर आप लोग अपना मोबाइल में अप्लाई करोगे तो आपका मोबाइल हैंग करना बंद हो जाएगा और लाइक करना भी बंद हो जाएगा। कौन कौन सा ये सेटिंग है ये बताने से पहले, अभी तक मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जल्दी से कर दो यार, एंड वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत। तो मैं ये जो बेसिक सेटिंग और इम्पोर्टेंट जो सेटिंग है ये बताने के लिए मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ जो हमारा जो रेडमी नोट 11 मोबाइल है उसी का मोबाइल स्क्रीन में लेकर चलता हूँ और इसी में आप लोग को बताऊँगा कौन कौन सा सेटिंग को आपको अपना मोबाइल में अप्लाई करना है। तो आप मैं लेकर चलता हूँ जो हमारा रेडमी नोट 11 मोबाइल है उसी का मोबाइल स्क्रीन में। तो चलते हैं रेडमी नोट 11 मोबाइल स्क्रीन के अंदर। तो बाहर से होना मौसम है बोलूँ मैं आदित्य सिन्हा, यूट्यूब चैनल औसम। तो यार जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं मोबाइल स्क्रीन के अंदर आ गया हूँ रेडमी नोट 11 मोबाइल में। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कौन कौन से सेटिंग जो बेसिक है वो मैं आप लोग को बताता हूँ जिससे आपका नहीं मोबाइल हैंग करेगा ना ही आपका मोबाइल लाइक करेगा थोड़ा सा भी। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ यार। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल का स्क्रीन में चले जाना है, इसके बाद आप लोग को मोबाइल का जो सेटिंग रहता है मोबाइल का सेटिंग में चले जाना है यार। कुछ आप लोग ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, वो आप लोग को सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है अबाउट फ़ोन। इस पे क्लिक करने के बाद यार आपको देख सकते हो स्टोरेज, इस पे आप लोग को क्लिक करना है। अब बात करते हैं वो, इस पे क्लिक करने के बाद आप जैसे कि देख सकते हो नीचे में आपको जितना भी आपका मोबाइल का स्टोरेज रहेगा सब आ जाएगा और इसके में देख सकते हो फ्री ऐप स्टोरेज, इस पे आप लोग को क्लिक करना है। ये है मेरे को सबसे पहला बेसिक सेटिंग जो आपको अपना मोबाइल में करना है। जैसे कि देख सकते 435 MB का मेरे फ़ोन में वायरस है। अब बात करते हैं यार दूसरा सेटिंग के, तो दूसरा सेटिंग में आपको बहुत ही इजी है यार, आपको आप लोग भी जानते होंगे। सबसे पहले आपको फिर से अपने मोबाइल का सेटिंग में चले जाना है, उसके बाद स्टोरेज में, उसके बाद आप देख सकते हो ऐप्स का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। ये देख सकते हो यार आपका मोबाइल में जितना भी ऐप्स रहता है सारा ऐप्स इसमें शो कर दे रहा है कुछ इस तरह से। वो आप लोग घबराना नहीं यार, इसमें जितना भी ऐप्स सारे ऐप्स को आप लोग को क्लियर कैच कर देना है और जो ऐप्स आप लोग यूज नहीं करते हो उसको आप लोग को क्लियर डाटा भी कर देना है। तो किस तरह से आप लोग क्लियर कैच और क्लियर डाटा कर सकते हो वो भी मैं बता देता हूँ। इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो देख सकते हो क्लियर कैच और क्लियर डाटा, आप लोग को जो भी ऐप्स यूज करते हो जैसे कि फ़ोटो ये सब को आप लोग को इतना ज़्यादा मतलब कि नहीं मारना है क्लियर स्टोरेज क्लियर डाटा, क्योंकि अगर मारोगे तो क्लियर डाटा वो आपका फ़ोन भी मतलब जो फोटोज रहेगा वो भी उड़ सकता है। लेकिन आप लोग जो ऐप्स ज़्यादा यूज नहीं करते हो उसी का क्लियर कैच और क्लियर डाटा कर देना। जैसे कि देख सकते हो मैंने ऐसा जितना भी आपका मोबाइल में जो ऐप्स है सारा ऐप्स को आप लोग क्लियर कैच और क्लियर डाटा कर देना है। तीसरा बेसिक सेटिंग कौन सा है वो भी मैं बता देता हूँ, वो आप लोगों का फिर से अपना जो मोबाइल का जो जैसा कि देख सकते हो सेटिंग, इस पे आप लोग को चले जाना है। फिर आप लोग को जैसा कि देख सकते हो इसके बाद आप लोग को अबाउट फोन में फिर से चले जाना और डेवलपर ऑप्शन के इनेबल कर देना है। अब बात करते हैं डेवलपर ऑप्शन का आप लोग को इनेबल कैसे करना है, फिर से आप लोग को अबाउट फोन में चले जाना, उसके बाद देख सकते हो न्यू वर्जन पर 5 बार क्लिक करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ही डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग में। अब डेवलपर ऑप्शन आप लोग को मिलेगा कहाँ वो आप लोग सर्च भी कर सकते हो और आप लोग नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करके खोज भी सकते हो। एडिशनल सेटिंग में जाना है, इसके बाद आपको डेवलपर ऑप्शन मिल गया जैसा कि देख सकते हैं। इससे क्या होगा सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आप लोग को नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है जैसे कि देख सकते हैं। इसमें आप लोग को इसे जो ये जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ यार ये आपको मोबाइल में मतलब कि थोड़ा फास्ट फ़ोन चलने लगेगा, पहले आपका मोबाइल थोड़ा धीरे धीरे चलता होगा लेकिन जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ इससे बहुत ही जल्दी जल्दी चलने लगा। देख सकते हो विंडो एनिमेशन इसको आप लोग 1x पे रहता होगा लेकिन आप लोग को 0.5x पे तीनों सेटिंग को आप लोग को कर देना है अच्छे तरह से जैसे देख सकते हो। इसके बाद ये हो गया तीसरा सेटिंग। अब बात करते हैं यार चौथा सेटिंग जो लास्ट सेटिंग है बेसिक सेटिंग। तो चौथा सेटिंग आप लोगों को करना क्या है, आप अपना मोबाइल का स्टोरेज को जितना भी
काम रखोगे इतना आपका मोबाइल एकदम अच्छे से स्मूथली ही काम करेगा। जैसा कि देख सकते हो मेरा मोबाइल का स्टोरेज 63% है, तो मतलब कि एवरेज इतना सही है। लेकिन अगर आपका मोबाइल का स्टोरेज 90% 95% है तो यार आप लोग क्लियर कर देना। इसके बाद यार आपको अपने मोबाइल को रीस्टार्ट कर देना है। इसके बाद बस यही ये सारे बेसिक सेटिंग कर लोगे तो ना ही आपका मोबाइल हैंग करेगा ना ही लाइक करेगा। तो यार जो जो मैंने सेटिंग बताया है अगर ये सारे सेटिंग अपना मोबाइल में अप्लाई कर लोगे तो आपका मोबाइल में 100% गारंटी के साथ यार आपका मोबाइल एकदम हैंग करना बंद हो जाएगा, लाइक करना बंद हो जाएगा, यार बिल्कुल एकदम स्मूथली ही काम आपका मोबाइल करेगा। तो यार आज की इस वीडियो में आप लोग को इतना ही। अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगे तो वीडियो कर देना लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर से कर देना यार। अब अपने दोस्तों को पास भी जरूर से शेयर कर देना यार, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है आप लोग के लिए इतना अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए, इसलिए आप लोग जरूर शेयर करना वीडियो को। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यार जय हिंद वंदे मातरम।